हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साजी सर क्लासेज। स्टूडेंट्स, अपना राइटिंग चैप्टर चल रहा था और राइटिंग चैप्टर में अपन अब तक आर्टिकल राइटिंग एंड स्पीच राइटिंग पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में अपन एक नया राइटिंग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और नया राइटिंग चैप्टर जिसका नेम है रिपोर्ट राइटिंग। स्टूडेंट्स, आपको बता दूँ, ये जो रिपोर्ट राइटिंग है ये RBSE एंड CBSE के जो 11वीं और 12वीं के जो स्टूडेंट्स हैं उन दोनों के लिए है, लेकिन अपन यहाँ पे जो ख़ास तौर से चर्चा करने वाले हैं वो RBSE के स्टूडेंट्स के लिए करने वाले हैं और वो भी 12th क्लास के लिए। तो RBSE के जो 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, कंपलसरी के स्टूडेंट्स, उनके लिए जो रिपोर्ट राइटिंग है उसके लिए वर्ड लिमिट 100 वर्ड्स रहने वाली है और उसके लिए जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा रिपोर्ट से संबंधित वो 7 नंबर का आएगा। अब बात करें इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए, तो इंग्लिश जो लिटरेचर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके भी रिपोर्ट राइटिंग है वो सिलेबस में है। उनके लिए वर्ड लिमिट है वो कितनी रहने वाली है, 150 शब्द। तो इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स को 150 शब्द में रिपोर्ट लिखनी होगी और उनके लिए जो नंबर निर्धारित है एग्ज़ाम में वो है 8 नंबर। तो ये इतना आपको समझ आ गया होगा। अब अपन स्टूडेंट्स चर्चा करते हैं कि रिपोर्ट एंड फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, इसमें से आपको 1 out of 2, इन दोनों में से आपको एक करना होगा। आपके सिलेबस में रिपोर्ट राइटिंग है और साथ में क्या है, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है। मतलब एग्ज़ाम में रिपोर्ट के ऑप्शन में क्या आएगा, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन आएगा और आपको एग्ज़ाम में कोई एक करना होगा। अगर आपको रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट कर दीजिए और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन आता है तो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन कर दीजिए। दोनों यानी कि 7 नंबर के हैं, एक करना है। लेकिन आज जो अपन वीडियो में चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं रिपोर्ट राइटिंग के बारे में। फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन का अलग से वीडियो बना करके मैं आपको यानी कि समझा दूंगा कि फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन क्या होता है, कैसे लिखा जाता है। लेकिन आज अपन सीखेंगे कि रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है और किन किन टॉपिक्स पे यानी कि लिखी जाती है। तो पहले अपन थोड़ी रिपोर्ट की बेसिक सी जानकारी है वो प्राप्त कर ले। हालांकि आपको ये लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी रिपोर्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले व्हाट इज़ ए रिपोर्ट, कि एक रिपोर्ट क्या होती है। तो एक रिपोर्ट क्या है, इज ए पीस ऑफ राइटिंग, एक राइटिंग का एक भाग है, एक लेखन का एक भाग है रिपोर्ट। दैट प्रेजेंट्स, और जो कि क्या प्रेजेंट करता है, ए रियल और जेन्युइन डिस्क्रिप्शन, एक वास्तविक और मौलिक जो डिस्क्रिप्शन है, वर्णन है या स्टेटमेंट है अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में उसको प्रेजेंट करती है, क्या एक रिपोर्ट राइटिंग। और ये टू ब्रिंग द रीडर्स बैक टू द सिचुएशन, और ये रीडर को क्या करती है, पाठक जो होते हैं उसे ब्रिंग लाती है बैक टू द सिचुएशन की ओर। मतलब जिस टॉपिक पे आप रिपोर्ट ले रहे हो, लिख रहे हो, इससे यानी कि जो रीडर्स होंगे उसको यानी कि उसे रिपोर्ट की तरफ लाने का यानी कि काम करती है, उस सिचुएशन की तरफ लाने का काम करती है। तो इसको ज़्यादा आपको यानी कि दिमाग पे नहीं लेना है, ज़्यादा लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब बात करें स्टूडेंट्स कि द रिपोर्ट्स प्रिस्क्राइब्ड इन द सिलेबस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स फॉर द कन्वीनियंस, कि ये जो रिपोर्ट्स है जो कि निर्धारित है सिलेबस के अंदर, उसे डिवाइड किया जा सकता है, बांटा जा सकता है 3 भागों में, वो भी अपनी सुविधा के अनुसार। अब देखिए, 3 भाग कौन कौन से हैं जो रिपोर्ट को, तो अपन कह सकते हैं रिपोर्ट 3 प्रकार की होती है। तो सबसे पहला जो प्रकार है वो है रिपोर्ट ऑन इवेंट्स। पहला किस पे, कि इवेंट्स के ऊपर रिपोर्ट लिखना। और स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है इसको मैंने हाईलाइट भी किया है और आगे लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्ज़ाम के लिए। तो एग्ज़ाम के लिए यही जो टॉपिक है, फर्स्ट जो टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप अच्छे से यानी कि समझना है, कौन से टॉपिक को, रिपोर्ट ऑन इवेंट्स को, ठीक है। अब रिपोर्ट ऑन इवेंट्स, अब इवेंट में कौन कौन सी रिपोर्ट आती है, कौन कौन सी रिपोर्ट हमें लिखनी होगी, तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं रिपोर्ट ऑन इवेंट्स में कौन कौन सी रिपोर्ट आती है। जैसे आप कोई प्रोग्राम है उस प्रोग्राम पे रिपोर्ट लिख रहे हो, या कोई फंक्शन है फंक्शन पे रिपोर्ट लिख रहे हो, कोई कंपटीशन, कोई कॉन्टेस्ट है, प्रतियोगिता है, जीके क्विज कंपटीशन है या और है, उसके बारे में लिख रहे हो, या कोई कैंप है, ब्लड डोनेशन कैंप है, आई ऑपरेशन कैंप है, उसके ऊपर लिख रहे हो, या आप किस पे लिख रहे हो, कोई टूर्नामेंट है,
कबड्डी टूर्नामेंट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल एथलेटिक टूर्नामेंट है, फुटबॉल टूर्नामेंट है, उस पे लिख रहे हो, कैंप है, एग्जीबिशन प्रदर्शनी है, कोई सेमिनार है, तो ये सारे के सारे टॉपिक्स कौन सी श्रेणी में आते हैं? रिपोर्ट्स ऑन इवेंट्स। तो ये जो टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक हो सकता है रिपोर्ट ऑन इवेंट्स आ जाए और ऑप्शन में फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन आ जाए। अब दूसरी बात करें एक्सीडेंटल रिपोर्ट, जिसको रिपोर्ट ऑन इंसिडेंट्स भी बोलते हैं। तो एक्सीडेंटल रिपोर्ट में स्टूडेंट कौन कौन सी रिपोर्ट आती है, यानी जो अप्रिय घटना वाली जो यानी रिपोर्ट होती है, जैसे बैंक रोबरी की है, ट्रेन एक्सीडेंट है, बस एक्सीडेंट है, बोट ट्रेजडी है, अर्थक्वेक भूकंप है, फ्लड है, बाढ़ है, ये सारी की सारी किसके अंदर आती है? एक्सीडेंटल रिपोर्ट, दुर्घटना वाली रिपोर्ट में। तो सेकंड टाइप हो गया दुर्घटना वाली रिपोर्ट। अब तीसरी जो बात करें वो है रिपोर्ट ऑन प्रॉब्लमेटिक इश्यूज या मैटर्स, कि जो समस्या से संबंधित जो मुद्दे हैं उसके ऊपर रिपोर्ट लिखना। तो जैसे समस्या से संबंधित, जैसे वाटर पॉल्यूशन है, करप्शन है, टेररिज्म है, फीमेल फोर्टिसाइड है, कन्या भ्रूण हत्या है, ये जो यानी कि समस्या से संबंधित है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, इस पे रिपोर्ट लिखे, वो क्या है, ये प्रॉब्लमेटिक इश्यूज वाली रिपोर्ट होती है। अब स्टूडेंट्स अपन चर्चा करें कि रिपोर्ट जो है, ये जो फर्स्ट रिपोर्ट्स ऑन इवेंट्स और एक्सीडेंटल जो रिपोर्ट है, ये पास्ट टेंस में लिखी जाती है। कौन से टेंस में लिखी जाती है? पास्ट टेंस में लिखी जाती है। और कोशिश कीजिए कि आप पैसिव फॉर्म बनाइए, पैसिव सेंटेंस बनाइए, ठीक है? तो रिपोर्ट्स ऑन इवेंट्स और एक्सीडेंटल रिपोर्ट ये क्या है? पास्ट टेंस में होगी। जबकि ये जो तीसरा है रिपोर्ट ऑन प्रॉब्लमेटिक इश्यूज, जिसमें वाटर का यानी समस्या आ गई, करप्शन की, टेररिज्म की, ये प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती है। कौन से टेंस में? प्रेजेंट टेंस के अंदर लिखी जाती है। तो बच्चों ये तो हमारा रहा रिपोर्ट क्या होती है, रिपोर्ट कितनी प्रकार की है, कौन से आपके सिलेबस में है और कौन से टॉपिक में कौन कौन सी टाइप की रिपोर्ट आती है, ये अपने बेसिक से यानी कि जानकारी यानी कि पढ़ ली है। अब अपन क्या सीखने वाले हैं बच्चों? आज कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे रिपोर्ट नहीं सीखेंगे अपन। आज अपन जो सीखने वाले हैं वो रिपोर्ट ऑन इवेंट्स का फॉर्मेट सीखेंगे, कि फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट ऑन इवेंट्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। तो आज अपन फॉर्मेट सीख लेते हैं कि कोई भी इवेंट पर अगर रिपोर्ट आपको लिखनी पड़ जाए तो आप किस तरह से यानी कि लिखोगे। तो इसके लिए यानी कि स्टूडेंट्स अपन देखते हैं, अगर आपको इतना अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी है, तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर्स कर दीजिए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इतना आपने लिख लिया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन स्टार्ट करते हैं, आपको अच्छे से अब आपको समझना है। अब सबसे पहले आप जो कर रहे हो वो क्या कर रहे हो? फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट ऑन इवेंट, कि कोई भी इवेंट पे रिपोर्ट लिखोगे तो उसका फॉर्मेट क्या होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप एक नया पेज लीजिए और आप क्या करोगे, टाइटल लिखिए, कि जिस भी टॉपिक पे आप रिपोर्ट लिख रहे हो उसका टाइटल लिखिए। जैसे एनुअल फंक्शन पे लिख रहे हो तो टाइटल की जगह कैपिटल लेटर में एनुअल फंक्शन लिख दीजिए, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिख दीजिए, कोई कंपटीशन है, जीके क्विज कॉन्टेस्ट लिख दीजिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल एथलेटिक टूर्नामेंट लिख दीजिए, या फ्लावर एग्जीबिशन लिख दीजिए, या कोई और टॉपिक है जिस पे रिपोर्ट है, कोई सेमिनार है, या ए सेमिनार हाउ टू फेस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ब्लड डोनेशन कैंप, आई ऑपरेशन कैंप। तो जो भी टाइटल क्वेश्चन में दिया हुआ हो वो टाइटल आप कैपिटल लेटर में लिख दीजिए और उसको आप अंडरलाइन कर दीजिए। इतना मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स आप नीचे वाली लाइन में क्या लिखोगे? जैसे आर्टिकल में अपन ने लिखा था सेम वैसे ही रिपोर्ट लिखने वाले का नाम बाई लगा करके आप क्या लिखोगे? बाई नेम ऑफ राइटर मैंने यहाँ लिखा है, मतलब रिपोर्ट कौन लिख रहा है उसका नेम लिख दीजिए। जैसे बाई सुनील कुमार, क्या लिखा आपने? बाई सुनील कुमार। और आगे क्या लिखना है? बाई सुनील कुमार कोमा लगाते हुए उसका डेजिग्नेशन लिख दीजिए, उसका पद नाम लिख दीजिए। जैसे कौन? बाई सुनील कुमार ए स्टूडेंट रिपोर्टर, ए स्टूडेंट रिपोर्टर, या राजस्थान पत्रिका रिपोर्टर, जो भी है उसका पद यानी कि लिख दीजिए। तो बाई लगाया
और बाई के बाद रिपोर्ट लिखने वाले का नाम और उसके बाद कोमा लगानी है स्टूडेंट्स, आपको एंड नहीं लगाना है। तो यहाँ पे मैंने समझाने के लिए लिख दिया है और उसका पद नेम लिख दीजिए। अगर क्वेश्चन में डेजिग्नेशन नहीं दिया हुआ है तो केवल आप बाई नाम लिख दीजिए, जैसे बाई सुनील कुमार, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए अपन जो रिपोर्ट का फॉर्मेट समझ रहे हैं तो मैं आपको एक एक पॉइंट समझाने वाला हूँ, लेकिन आप जब यानी कि एक रिपोर्ट लिखोगे तो आपको पॉइंटों में नहीं लिखना है, आपको एक पैराग्राफ के अंदर ही रिपोर्ट लिखनी है। लेकिन मैं तीन पॉइंट के माध्यम से आपको समझाने वाला हूँ कि कोई भी रिपोर्ट ऑन इवेंट आ जाए तो आप तीन पॉइंट के अंदर लिख दीजिए। एक है स्टार्टिंग पॉइंट, शुरुआती पॉइंट कैसे होंगे, एक होगा मिडल पॉइंट कि बीच के पॉइंट कैसे होंगे, और एक लास्ट होगा एंडिंग पॉइंट। तो तीन पॉइंट के अंदर मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, अब आप बाई लगाया उसके बाद एक लाइन छोड़ दीजिए, आप क्या लिखोगे, पैलेस लिखोगे, स्थान, स्थान का नाम लिखोगे, क्या लिखोगे, पैलेस नाम, PLACE नहीं लिखना है आपको, क्या लिखना है, जिस जगह की रिपोर्ट है। जैसे एनुअल टाइटल क्या है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, क्या है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है या एनुअल फंक्शन है, या आपने टाइटल लिख दिया, या ब्लड डोनेशन कैंप है। अब पैलेस यानी ब्लड डोनेशन कैंप लिख दिया तो पैलेस लिखोगे कि पैलेस कहाँ, कहाँ ब्लड डोनेशन हुआ, जैसे अलसीसर में हुआ, तो पैलेस की जगह आप क्या लिख दोगे, अलसीसर, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आप एंड की जगह कोमा लगाइए, अलसीसर, उसके बाद कोमा लगाइए, उसके बाद डेट ऑफ राइटिंग, मतलब जिस तारीख को आप रिपोर्ट लिख रहे हो वो तारीख लिख दोगे। तो सबसे पहले आपने क्या लिखा, अलसीसर, उसके बाद कोमा लगाइए, और उसके बाद आप क्या लिखोगे, डेट लिख दीजिए। जैसे यानी कि आप क्या लिख दोगे कि जैसे जनवरी के अंदर है तो आप 1 जनवरी को लिख रहे हो तो आप क्या लिख दोगे, 1 जनवरी 2020। तो ये क्या हो गई, राइटिंग डेट हो गई। अब उसके बाद स्टूडेंट आपको क्या लिखना है, डेस लगाना है आगे, जैसे मैंने लगाया। तो सबसे पहले अलसीसर, कोमा, अब डेट ऑफ राइटिंग, मतलब जिस तारीख को आप रिपोर्ट लिख रहे हो, जैसे 1 जनवरी 2020 लिख दिया आपने और आगे डेस लगा दिया, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक एक पॉइंट के माध्यम से समझा रहा हूँ, आपको बस जो चीज़ें लिखनी है वही लिखनी है और अनावश्यक चीज़ें को यानी कि आपको नहीं ऐड करना है इसमें। जैसे सबसे पहले मैंने लिखा है नेम ऑफ प्रोग्राम हो, अगर कोई प्रोग्राम से संबंधित रिपोर्ट है तो उस प्रोग्राम का नाम लिख दीजिए, फंक्शन से संबंधित है तो उस फंक्शन का नाम लिख दीजिए, कोई कॉन्टेस्ट से संबंधित है तो उस कॉन्टेस्ट का नाम लिख दीजिए, अगर कैंप से संबंधित यानी कि रिपोर्ट है तो आप उस कैंप का नाम लिख दीजिए। मैं तो ये कह के चलता हूँ आपने जो टाइटल लिखा है ना वो टाइटल ही सबसे पहले लिख दीजिए। जैसे आपने लिखा ब्लड डोनेशन कैंप, टाइटल क्या लिखा, ब्लड डोनेशन कैंप, तो ये किसके बारे में है, कैंप के बारे में, तो नेम ऑफ प्रोग्राम, फंक्शन, कॉन्टेस्ट जो भी है उसका नाम लिख दीजिए। तो शुरुआत क्या करोगे, ए ब्लड डोनेशन कैंप, इतना हो गया। अब क्या लिखोगे, अब वॉज ऑर्गेनाइज्ड कि एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया या हेल्ड रखा गया, अब सेलिब्रेट जचेगा नहीं, या अरेंज्ड, अरेंज किया गया, ठीक है, इनमें से लिख दिया। अब ऑन, ऑन के बाद क्या लिखोगे, डेट ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम की तारीख, यहां पे तो राइटिंग मतलब तारीख, रिपोर्ट लिखे जाने की तारीख है ये तो, और यहां पे प्रोग्राम की तारीख है, मतलब क्या है, यहाँ पे जो आपने तारीख लिखी है उससे 1-2 दिन पहले की आप तारीख लिख दीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो किस तरह से रहेगा, ब्लड डोनेशन कैंप वॉज ऑर्गेनाइज्ड, ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया ऑन कितने तारीख को, जैसे 1 जनवरी आपने लिखा तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 25 दिसंबर 2019 को, 8, अब 8 के आगे टाइम लिख दोगे, 8 कितने बजे, अब 8 टाइम लिख दीजिए, 8:09 AM, कितने बजे, 9 बजे, इन कहाँ, अब पहले इसका नाम, इन अब कहाँ लिखोगे, रामलाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलसीसर। अब बाई किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया, बाई स्कूल के द्वारा या बाई लॉयंस क्लब, उसका नाम लिख दीजिए। तो पहला पॉइंट आपको लर्न हो गया होगा स्टूडेंट से। अब बाई चांस आपको यानी कि लिखना पड़ जाए किसके ऊपर, गांधी जयंती के ऊपर आ जाए, या क्या आ जाए, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कबड्डी टूर्नामेंट के बारे में आ जाए, तो आप क्या लिखोगे, कबड्डी, सबसे पहले टूर्नामेंट का नेम ऑफ टूर्नामेंट, तो कबड्डी टूर्नामेंट या फुटबॉल टूर्नामेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड, यानी कबड्डी टूर्नामेंट है उसका आयोजन किया गया ऑन इतने तारीख को, 8 इतने बजे, इन इस जगह पे, अब कहाँ पे यानी कि एट द
प्लेग्राउंड ऑफ यानी कि आरएल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और बाई किसके द्वारा, अब किसके द्वारा, तो उसका आप नाम लिख दोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कोई भी कैंप का आ जाए या कोई अब फ्री मेडिकल चेकअप का यानी कि आ जाए कैंप लगा हो तो एक कैंप ऑन फ्री मेडिकल चेकअप आ जाए तो सबसे पहले उसका नाम लिख दीजिए। जो भी आपका टॉपिक है वो आप शुरुआत में लिख दीजिए। अब देखो स्टूडेंट्स, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें इनोग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है और कुछ में इनोग्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कोई टूर्नामेंट है, खेल प्रतियोगिता है, उसमें उद्घाटन की ज़रूरत पड़ती है। कोई एग्जीबिशन है उसमें भी एक उद्घाटन करवा लेते हैं, या क्या है, या कोई प्रतियोगिता है उसमें उद्घाटन यानी कि करवा लेते हैं, तो इस कैंप है उसका उद्घाटन करवा लेते हैं, तो उसमें आप कौन सी लाइन लिखोगे, इट वॉज इनोग्रेटेड, कि इसका उद्घाटन किया गया बाय द चीफ गेस्ट, किसके द्वारा, मुख्य अतिथि, अब कोई भी नाम लिख दीजिए, बाय द चीफ गेस्ट मिस्टर उमरदीन खान द कलेक्टर ऑफ झुंझुनू, तो ये जो भी मुख्य अतिथि है उसका लिख दीजिए। अब बाय चांस जैसे एनुअल फंक्शन है, रिपब्लिक डे फंक्शन है, इसको यानी कि उद्घाटन की ज़रूरत नहीं है, तो इसकी जगह आप कौन सी लाइन लिखोगे, ये लाइन आप कोई कैंप वाले में लिख दीजिए या कोई टूर्नामेंट वाले में लाइन लिख दीजिए। लेकिन जब कोई फंक्शन से रिलेटेड आ जाए, जैसे एनुअल फंक्शन पे आ जाए, रिपब्लिक डे फंक्शन पे आ जाए, तो आप क्या लिखोगे, इट वॉज स्टार्टेड, इसकी शुरुआत हुई विद द अराइवल ऑफ, किसके आगमन के साथ, द चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि के आने के साथ ही, इट वॉज स्टार्टेड विद द अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट मिस्टर उमरदीन खान द कलेक्टर ऑफ झुंझुनू, कि एनुअल फंक्शन की शुरुआत हुई। या कोई जीके क्विज कंपटीशन है तो आप क्या करोगे, इट वॉज स्टार्टेड, कि ये स्टार्ट हुआ विद द अराइवल ऑफ, किसके आगमन के साथ, जजेज यानी कि जजेज के आने के साथ ही, 8 इतने बजे। ठीक है, तो आप इस तरह से आप अपनी समझ के हिसाब से लिख देना। अब देखिए कुछ, अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब जैसे यानी कि योगा से, योगा डे सेलिब्रेट किया गया, तो आप क्या लिख दोगे, मैनी हेल्थ एंड योगा एक्सपर्ट्स है वो कहाँ, फ्रॉम यानी कि मेडिकल फील्ड से, वर इन्वाइटेड, वो आमंत्रित थे, टू आंसर द क्वेरीज ऑफ ऑडियंस, कि ऑडियंस की जो क्वेरीज है या स्टूडेंट्स की जो क्वेरीज है उनका आंसर देने के लिए। अगर कोई स्कूल के अंदर प्रोग्राम है, प्रतियोगिता वगैरह है, कोई सेमिनार है, तब आप क्या लिखोगे, कि मैनी यानी कि एजुकेशनलिस्ट है वो यानी कि फ्रॉम कहाँ से, कोटा यूनिवर्सिटी से, वर इन्वाइटेड, उसे आमंत्रित किया गया, टू आंसर द क्वेरीज ऑफ ऑडियंस यानी ऑडियंस के क्यूरी का जवाब देने के लिए, स्टूडेंट्स की क्यूरीज का जवाब देने के लिए। अगर कोई यानी कि गेम वगैरह है तो उसमें आप कर दोगे कि मैनी यानी कि जो प्लेयर्स है वो वर इनवाइटेड यानी कि वो इनवाइटेड थे यानी कि आमंत्रित थे, तो इस तरह से आप लिख दीजिए। तो ये आपको अपनी सूझबूझ से करना है कि कौन सी लाइन यहाँ पे बेटर रहेगी। अब देखिए 3 नंबर पॉइंट, अब कोई भी प्रोग्राम होता है, चाहे आप योगा डे सेलिब्रेशन कर रहे हो, एनुअल फंक्शन कर रहे हो, रिपब्लिक डे फंक्शन है, जीके क्विज कंपटीशन है, डिस्ट्रिक्ट लेवल फुटबॉल टूर्नामेंट है, या कोई एग्जीबिशन है, सेमिनार है, उसमें आप मुख्य अतिथि बुलाया तो आपने उसका मेंशन कर दिया। अब देखिए प्रोग्राम वगैरह होता है तो आप क्या लिखोगे, आवर सेल स्कूल वेलकम्ड एंड गार्लैंडेड द चीफ गेस्ट, कि हमारे स्कूल ने वेलकम किया और गार्लैंडेड फूलों की माला पहनाई, किसको, मुख्य अतिथि को, एक्सपर्ट्स को, जजेज को, तो आप ये लाइनें लिख दीजिए। अगर स्टूडेंट्स आप लिख रहे हो पैराग्राफ में बड़ा लगे तो आप कुछ चीज़ें हटा भी सकते हो। तो ये आपने शुरुआत में यानी कि लिखा, सबसे पहले टूर्नामेंट का नाम, डिस्ट्रिक्ट लेवल एथलेटिक टूर्नामेंट वॉज ऑर्गेनाइज, उसका आयोजन किया गया इतने तारीख को इतने बजे और इस जगह पे बाई इसके द्वारा, और इट वॉज इनोग्रेटेड और इसका उद्घाटन किया गया, ये लाइन लिख दो। अब रिपब्लिक डे फंक्शन का आ जाए बाई चांस, तो रिपब्लिक डे सबसे पहले प्रोग्राम या फंक्शन का नाम लिखिए, रिपब्लिक डे फंक्शन वॉज सेलिब्रेटेड ऑन कितने तारीख को, 26 जनवरी को, 8 इतने बजे, इस जगह, बाई इसके द्वारा। अब उस उद्घाटन की ज़रूरत नहीं है, आप ये लाइन लिख दीजिए कि इट वॉज स्टार्टेड, इसकी शुरुआत हुई विद द अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि के आगमन के साथ ही, 8 इतने बजे। अब उसमें यानी कि अब देखिए, अब मुख्य अतिथि है उसका स्वागत वगैरह किया जाता है, तो आवर स्कूल वेलकम, हमारे स्कूल ने स्वागत किया और गार्लैंडेड किया, फूलों की माला पहनाई,
तो चीफ गेस्ट को। तो इस तरह से आप ये मिडल पॉइंट में ये तीन पॉइंट आप लिख देना स्टूडेंट्स। इतना अगर आप लिखोगे तो आपको यानी कि अब यहाँ तक का तीन नंबर यानी कि मिल जाएगा सात नंबर में से। अब मिडल पॉइंट देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट हुए, अब मिडल पॉइंट में अब देखिए कुछ लाइंस आपको लिखनी है। जैसे कोई भी प्रोग्राम होता है, स्कूल के अंदर होता है, टाउन हॉल के अंदर होता है, प्लेग्राउंड के अंदर होता है, यहाँ पे होता है, तो आप उसकी सजावट भी करते हो, तो आप क्या लिखोगे? द स्कूल हॉल वॉज ब्यूटीफुली डेकोरेटेड कि स्कूल हॉल है वो बहुत ही सुंदर ढंग से डेकोरेट किया हुआ था विद फ्लावर्स से, बैनर से, स्लोगन से, पोस्टर एट्सेट्रा इत्यादि से, जिन जिन की ज़रूरत हो। अब एनुअल फंक्शन है, रिपब्लिक डे फंक्शन है, तो आप क्या करोगे? स्कूल हॉल को या जो भी ग्राउंड है उनको आप सजाओगे फ्लावर से, बैनर से, स्लोगन से, पोस्टर इनों से, बैलून से। तो ये लाइन आप लिख दोगे। अब जैसे यानी कि कोई टूर्नामेंट है, खेल प्रतियोगिता है, तो आप क्या लिख दोगे? द स्कूल यानी प्लेग्राउंड है वो वॉज ब्यूटीफुली डेकोरेटेड था विद किस से? फ्लावर्स एंड बैलून से। तो ये लाइन आप लिख सकते हो, ठीक है। अब आगे पांचवा पॉइंट क्या है? अब देखो कोई भी यानी कि इवेंट वाला होता है तो आप लिख दोगे देर वॉज ए ग्रेट इंथोजियम, बहुत ज़्यादा जोश था अमंग स्टूडेंट्स में, ऑडियंस में, एंड दे वर लुकिंग हाईली हैप्पी, और वे क्या दिख रहे थे? हैप्पी दिख रहे थे। एनुअल फंक्शन है, रिपब्लिक डे फंक्शन है, कैंप है, जीके क्विज कंपटीशन है, सेमिनार है, एग्जीबिशन है, तो सब में जो स्टूडेंट्स है इस तरह के प्रोग्राम होते हैं बड़े जोश के साथ होते हैं और हैप्पी दिखते हैं, तो ये लाइन आप ऐड कर सकते हो। अब आप ये लाइन भी, कई जो चीज़ें हैं वो स्टार्ट होती है जैसे फंक्शन वगैरह है तो द प्रोग्राम वो स्टार्टेड विद सरस्वती वंदना या वेलकम सॉन्ग, कि प्रोग्राम की शुरुआत हुई सरस्वती वंदना से या नेशनल एंथम राष्ट्रगान से, देर वॉज ए बिग रस, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और अब देखिए कुछ प्रोग्राम्स होते हैं तो जहाँ पे ये लाइन सेट हो वो आप लिख दीजिए कि द आर्टिस्ट या स्टूडेंट्स प्रेजेंटेड कलरफुल प्रोग्राम्स, कि यानी कि आर्टिस्ट या जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने कलरफुल प्रोग्राम प्रेजेंट किया। तो प्रोग्राम की स्पेलिंग बच्चों यहाँ थोड़ी चेंज कर देना, गलत लिखी गई, PROGRAMME। तो स्टूडेंट्स ने प्रेजेंट किए कलरफुल प्रोग्राम लाइक डांस, ड्रामा, सॉन्ग, फैंसी ड्रेस शो एट्सेट्रा इत्यादि। तो इस तरह की आप ये लाइनें लिख दोगे। कोई भी फंक्शन होता है तो ये नॉर्मल सी बात है कि कलरफुल प्रोग्राम होते हैं, डांस होता है, ड्रामा, सॉन्ग, स्पीच ये होता है, तो ये मिडिल लाइन में आप लिख दीजिए। और दो तीन लाइन जिस टॉपिक पे आप यानी कि रिपोर्ट लिख रहे हो उससे रिलेटेड आप यानी कि जरूर लिखे ताकि आपको यानी कि फुल या नंबर मिल जाए। तो मिडल पॉइंट है इसके यानी कि दो नंबर यानी कि इसके मान लीजिए आप, तो इस तरह से कितने नंबर के हो गए? पांच नंबर का अपन तैयार कर चुके हैं। तो अब एंडिंग पॉइंट, अब देखो एंडिंग पॉइंट कोई भी इवेंट होता है, फंक्शन होता है, उसमें यानी जो मुख्य अतिथि होते हैं वो क्या होते हैं? यानी स्पीच देते हैं। तो द चीफ गेस्ट गेव ए स्पीच, मुख्य अतिथि ने स्पीच दिया, एंड स्टूडेंट्स वर गिवन द प्राइज, और जो स्टूडेंट्स थे उसको प्राइज दिया गया भाई किसके द्वारा? चीफ गेस्ट के द्वारा। तो ये लगभग यानी प्रोग्राम में होता है, जीके क्विज कंपटीशन में या प्रतियोगिता वाला कोई आ जाए या कोई फंक्शन आ जाए, कोई टूर्नामेंट आ जाए या कैंप वगैरह है, तो उसमें यानी कि प्राइज की जगह यानी कि सर्टिफिकेट दिए गए। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा समझ के लिखना है। अब इट वॉज एन अनफॉरगेटेबल प्रोग्राम, ये क्या था? न भूलने वाला प्रोग्राम था, ऐसे प्रोग्राम को बुलाया नहीं जा सकता। द स्टूडेंट्स वर सर्व्ड लाइट रिफ्रेशमेंट, तो कुछ में अगर ये हो कि कोई फंक्शन वगैरह होता है तो कुछ अल्पाहार यानी कि नाश्ता वगैरह दिया जाता है, तो ये लाइन जहाँ सेट हो तो आप लिख दीजिए, वरना मत लिखिए कि स्टूडेंट को क्या दिया गया, हल्का अल्पाहार दिया गया, नाश्ता दिया गया। और कुछ बड़े कोई प्रोग्राम है बड़े लेवल पे तो आप ये भी लिख दीजिए, द सिक्योरिटी वॉज टाइट, सिक्योरिटी टाइट थी और देर वॉज प्रॉपर अरेंजमेंट, प्रॉपर अरेंजमेंट था ईच एंड एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ का। और लास्ट में लाइन लिख दीजिए, द प्रोग्राम एंडेड, प्रोग्राम की समाप्ति हुई एट अबाउट इतने बजे, और इट वॉज ए शॉर्ट एंड सक्सेसफुल इवेंट, ये छोटा और सफल इवेंट था। तो इस तरह से स्टूडेंट्स अपन तीन पॉइंट के अंदर पॉइंट्स के माध्यम से फॉर्मेट ऑफ ए रिपोर्ट ऑन इवेंट अपन समझा है। तो आपको ये पॉइंट्स के अंदर नहीं लिखना है, ये जो जो लाइन मैंने बताई है, अब आप कोई भी इवेंट पे लिखोगे तो आप अपने हिसाब से देखिए ये लाइन यहाँ पे सेट बैठ रही है नहीं बैठ रही है, तो अपने हिसाब से सेंटेंस बनाइए पैराग्राफ के रूप में और रिपोर्ट है वो लिख दीजिए, आपको फुल मार्क्स है वो मिलेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब यानी कि कर दीजिए।